पूरा भाई इतना लंबा चौड़ा बिल बना के दे देंगे। तो अभी हमारा प्लान बन रहा था भाई DLF मॉल जाने का, बट उससे पहले आ गए भाई हमारी गाड़ी में एक दिक्कत। तो कहाँ चलना अब भाई? मेरे को लग रही है भूख, और तीन चार दिन पहले मैंने देखी थी भाई तुम्हारी स्टोरी। हमारे राकेश भाई को देख लो, 40 साल के और 20 साल के बन रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आपका भाई गौरव डेटा फिर एक बार आपके सामने आते हैं एक नए व्लॉग के साथ में। तो सभी बड़े छोटे को मेरी तरफ से राम राम जी। तो आज का भाई अपना व्लॉग अपना स्टार्ट कर लिया है, बाकी अभी पूरे दिन का कुछ प्लान नहीं है, जो भी होगा आपको पता चलता रहेगा। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ भाई जिम जाऊँगा पहले, फिर वहाँ से वर्कआउट करने के बाद उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं। बाकी भाई लास्ट व्लॉग आप सब लोगों ने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले हम चलते हैं अपना जिम, उसके बाद आएगा दिन प्लान करेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो भैया हम आ चुके हैं अपनी जिम, हम अंदर चलते हैं। राम राम जी, ये हमारे राकेश भाई है और इनको तो खैर आप जानते ही हो, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर साहब। वो कहा है? वो 16 साल के लड़के वहाँ पे अभी मिलता हूँ उनसे अभी। भाई कहर रखा है उन्होंने? हैं? कहर ढा रखा है। हाँ भैया कटिंग तो कटिंग निकाल रहे हैं, कटिंग चल रही है, कटिंग चल रही है भाई। हमारे राकेश भाई को देख लो, 40 साल के और 20 साल के बन रहे हैं। कौन सा गाना सुन रहे हो? कौन सा गाना सुन रहे हो बता तो? भाई जिम से अपना घर आ चुका था और अभी टाइम हो रहा भाई 3:15 के करीब। उससे पहले अपना कुछ काम थे वो सारे निपटाए घर पे आके, कुछ एक दो काम वैसे थे अपने घर के भी कुछ बाहर के भी, तो सारे ख़त्म वतम करके अब बाहर आ गया था गाड़ी वॉश कराने के लिए अपने इधर लोकल में ही। तो गाड़ी वॉश कराई है बस, अब कपड़ा वपड़ा लगे, उसके बाद अपने साथ पवन भाई है। हेलो गाइस, फिर हम दोनों चल रहे हैं बाहर। कहाँ चलना जिन्हें बताओ? एक जगह तो कैंसिल हो गया अपना। तुम तो जब भी आओ ना हमेशा कोई ना कोई कैंसिल ही करवा का आओ, कभी कुछ कैंसिल हो जावे कभी कुछ कैंसिल हो जावे। देखो मंजिल जहाँ ले जाए। हाँ चलो सही बात है भैया, जहाँ मंजिल ले जाएगी वहाँ चले जाएंगे भाई। हालांकि आज का जो मेरा व्लॉग है ना, ये डेली व्लॉग पर्पज से मैंने व्लॉग बनाया आज का, क्योंकि भाई अभी देखो कहीं बाहर वार तो हम ट्रिप पे कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि कल से अपना जो मतलब एक टाइम के लिए बात है ना, जो टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा कल से ना, 5-6 तारीख तक बिल्कुल प्रॉपर बिजी हो जाएंगे अपना प्रचार में। तो भाई बस आप सब लोग भी दुआ करो कि हमारी मेहनत रंग लाए और हमारे हाथ जीत लगे। वैसे तो कल लगेगी, बट आप लोग भी दुआ करोगे तो और भी अच्छी जीत लगेगी हाथ। क्यों भाई? भाई जीत है मेरे से, अभी लिखवा लो स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो मुझसे, तो अंगूठा लगा देंगे भाई अभी। पवन भाई तुमने कह दी ना ये बात, और तुम्हें मालूम 100% है, और तुम्हें मालूम मेरी गणित अभी तो मैं कह रहा हूँ। भाई लास्ट टाइम पवन भाई ने एक रील के लिए बोला था कि भाई चलेगी 10,000 पार जाएगी, उससे ऊपर भी जा सकती है भाई। जेन्युइनली 10,000 तो छोड़ो, लाख व्यू पार गए, लाख व्यू पार। तो ये बात भाई ऐसी होनी चाहिए कुछ। तो भाई फटाफट से अपनी गाड़ी पे बस कपड़ा वपड़ा लगवा, तो उसके बाद यहाँ से लिख लेंगे और देखते अभी कहाँ जाना कहाँ नहीं, एक दो जगह का माना जाने का, तो वो चीजें कर लेंगे अभी आज के दिन में, उस चीज को ऐड कर लेंगे अपने इस ब्लॉग में। तो भाई अपने जो गाड़ी है सही से वॉश हो चुकी है बढ़िया एकदम, और हम आ चुके हैं अब नोएडा। नोएडा किस लिए आए हैं? नोएडा में इधर एक अपने शनिदेव मंदिर है, तो मैंने सोचा आज महाराज जी से मिलना थोड़ा सा। तो भाई वहाँ चलते हैं पहले शनिदेव के मंदिर पे, उसके बाद फिर चलेंगे DLF मॉल। चलना कहाँ चलना है? DLF ही। पवन भाई को शॉपिंग वॉपिंग करनी है तो वहाँ पे भी जाना है, और मेरे को कोई चीज़ एक्सचेंज करनी है तो इसलिए जाना है। तो चलते हैं भाई फटाफट पहले इधर चलते हैं शनि मंदिर, और उसके बाद में चलेंगे DLF मॉल ऑफ इंडिया। तेल पेल ले लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
कोई कौन पहली बार आया सेकंड टाइम सेकंड टाइम यहाँ आता नहीं है क्या? मैं जनरली क्या सैटरडे को जाऊँगा मरकट वाले बाबा के। अच्छा 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 अभी तो मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूँ आज बस नहीं जा पा रहा टाइम का आज लौंडा आ जा नहीं बन पा रहा नहीं नहीं भाई मैं आज आज ही हूँ। तो भाई बढ़िया पूजा पाठ होगी अपनी कभी कभार पूजा पाठ भी करते रहना चाहिए भाई देखो कुछ हम पाप भी करते रहे तो उन्हें धोने को भी तो कुछ चाहिए तो इसी बहाने अपना आ जाया करो मंदिर वंदिर चले जाया करो जो ना जाता हो। तो अभी हमारा प्लान बन रहा था भाई DLF मॉल जाने का बट उससे पहले आ गए भाई हमारी गाड़ी में एक दिक्कत तो अब हमने सोचा पहले भाई इस दिक्कत को दिखा ले पता पड़ रही है वहाँ जा रहे हैं फिर मामला ज़्यादा बड़ा हो जाए तो सेक्टर 16 की मार्केट है इधर ही यहीं पर दिखा लेते हैं पहले तो चलते हैं भाई पहले फटाफट भाई पहुंचते हैं और फिर आपको बताते हैं क्या दिक्कत आई क्या नहीं। लो जी लो भैया पलक झपकते हम पहुंच गए सेक्टर 16 की मार्केट। हाँ भाई आप आ जाओ कोई भी गाड़ी काम करवाना हो सारी गाड़ियों काम हो जाएंगे यहाँ पर भैया बस पार्किंग का जुगाड़ देखना पड़ा इधर सबसे बड़ी दिक्कत इधर यही है और कोई दिक्कत नहीं बाकी यहाँ पे आप आओ कोई भी गाड़ी कुछ भी काम करवाना हो सब काम होंगे भैया। भाई अपनी गाड़ी में हो गए थे एक छोटा सा फॉल्ट जो कि अब फिलहाल हमारे इन भाइयों ने ठीक कर दिया है वो और अब चल रहे अपना यहाँ से और भाई अपना जो फॉल्ट है वो ठीक हो गया। फॉल्ट क्या हुआ था? फॉल्ट हो गया था भाई गाड़ी का जो सनरूफ है ना ये पूरी तरह से ना काम नहीं कर रहा था मतलब बार बार रुक रुक के चल रहा था और इसकी ना रबड़ जो होती है वो बाहर आ गई थी तो और इसका एक ABS से कुछ प्रॉब्लम थी छोटी मोटी तो वो दिखवानी थी तो वो दिखवा ली ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक हो चुका है अब तो अब यहाँ से चल रहे हैं सेक्टर 16। देखा ना भाई मैं सच बता रहा हूँ सुबह से कोई प्लान नहीं कुछ भी नहीं और एकदम सडन इस सनरूफ ने प्लान बना दिया भाई है बना दिया प्लान। और वो बीच में जो बंदा था वो क्या कह रहा था? अरे वो तो भाई वो कह रहा भाई कि भैया सनरूफ में ना रबड़ जो है ये अटक रही है और इसको ना आपको फेविक्विक से चिपकाना पड़ेगा ऐसे करना पड़ेगा वैसे करना पता नहीं तेने क्या क्या बता दिए। मैंने कहा भाई ऐसा एक काम कर हम कहीं और ही करवा लेंगे इसमें तो होएगी तो कहीं और ही दिखवाएंगे अपने गाड़ी। बंदे ने कितना बढ़िया काम किया है। हाँ एक बार में बता करा इसने सीधे रबड़ लगाई पेचकस लिया और सीधे उसी से रबड़ लगा दी और काम हमारा सेट कर दिया बढ़िया एकदम तरीके से सनरूफ भी साइड चल रहा रबड़ भी अंदर घुसा दी पूरा एकदम मामला एकदम सेट ओके की रिपोर्ट है। बिल्कुल भाई ओ भाई फाइनली मार्केट से बाहर निकल गए। इस मार्केट की बस एक यही थोड़ी सी दुखी करने वाली बात है अंदर घुस तो जाएंगे पर भाई लिकड़ना बहुत भारी हो जाता है। कैसे उंगली दिखा रहे बाबूजी क्या चाहिए वहां जाना वो एम बना हुआ ना मैकडी कहते हैं इसे मैकडॉनल्ड। हां उसको चलो दिखाइए जरा तो क्या खिला रहे हो बताओ आप? बर्गर खाएंगे मैकपफ खाएंगे कोक लेंगे दैट्स इट। ओ माय गॉड दैट्स इट यार मैं कोक पोक ना लूंगा मैं तो आज कॉफी ओवी लूंगा। कॉफी ले लूंगा यार कोक वोक पी कर थोड़ा सा वैसा हो जाता आज थोड़ी कॉफी पी लेंगे बढ़िया रहेगा कोल्ड कॉफी ले लेंगे। कॉफी तो उसकी बहुत बढ़िया लगी थी मुझे। अच्छा हो जाए ट्रिपल सी की हाँ। चलो उधर भी चल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल अभी आज मैकडॉनल्ड की पी लेते हैं भाई कॉफी पी लेते हैं और भाई कह रहे हैं बर्गर में खवा रहे तो बर्गर खा लेंगे और भाई अपना काम बढ़िया होगा गाड़ी में लिख ले किस चीज के लेते हो क्या गया और क्या से क्या करवा के आ गए पर चलो कोई बात नहीं भाई ये भी कुछ तो, अच्छा ही है हमारे लिए। मंजिल जहाँ ले जाए वहीं चल रहे वहीं चल देंगे सही बात है भाई बिल्कुल जो होता अच्छे के लिए होता है। प्रमिला का बात तो यही है भाई एक तो मैकडॉनल्ड पे भाई इतनी भीड़ लगी रहे बाहर देखना पूरा कभी भी आ जाओ भाई मतलब ही नहीं कि सीधी जा गाड़ी अंदर घुस जाएगी। संडे वाले दिन तो पता नहीं कहाँ तक लाइन रहती है इस पे मरन तो कोई बात ना हमारे आगे प्रधान जी चल रहे देख लो प्रधान जी के बाद हमारा नंबर है भाई इसकी मैकडी की एक बात तो है दो तीन चीज ले लो इतना बड़ा चिट्ठा फाड़ कर दे देंगे देखे भाई अरे भाई दो तीन आइटम मांगे ऐसा लगे सर पता ना कितने सारे आइटम मांग लिए हमने इनता पूरा भाई इतना लंबा चौड़ा बिल बना के दे देंगे। सही है भाई चलो ऑर्डर लेते हैं आगे चल के अपना भाई तुम्हारे भाई ने तो अपना बर्गर लपेट दिया भाई का वो रह गया पिज्जा मैक पफ है पागल बना दिया मतलब आ रहा है ऐसा नहीं है तुम्हें आएगा ना टेंशन मत ले पागल बना 10 मिनट एक बंदे ने निपटा दे दूसरा बंदा बाद में कोई मजेदारी थोड़ी है तो पहले तूने मुझे देखा मैं तुझे देखूंगा सानी जिंदगी ठा बलिया
मेरे लिए। सो भाई देखते ही देखते हो चुकी है रात, दिन से रात हो गया भाई, और हम दोनों भाई साथ में अब भी, ये देख लो। तो कहाँ चलना अब भाई? मेरे को लग रही है भूख, और तीन चार दिन पहले मैंने देखी थी भाई तुम्हारी स्टोरी, मलाई रमेश साहब वही चल रहे हैं, तभी तुमने बोला रमेश साहब चलना है। तुम्हारी जो स्टोरी थी अब भी दिमाग में चल रही है मेरे, वही वही को फोड़ लो गड्डी। चलो भैया इंस्टा की जो स्टोरी वो काम आ गई है। चलो तो कोई नहीं भाई, आपको चाप खिलाते हैं, मलाई टिक्का खिलाते हैं आज वहाँ का आपको, और कोरमा बेहतरीन। चलो कोरमा भी खिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं भाई फटाफट से, पहुँचते हैं वहाँ पे, अपना डिनर विनर करते हैं। अभी टाइम जो हो रहा है रात के 8 बज चुके हैं, तो पहुँचते हैं वहाँ पे। फाइनली हम पहुँच चुके हैं रमेश चाप पर, और भाई यहाँ पे अपना ऑर्डर दे चुके हैं। तो जैसे ही ऑर्डर आएगा आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें ऑर्डर करें। भाई वैसे सही बताऊँ, रमेश साहब की जो सबसे खास बात है ना वो ये है कि यहाँ पे आओ, बंदा बुलाओ और अपना गाड़ी में ही आपको ऑर्डर मिल जाता है। आराम से बैठ के गाड़ी में खाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ खड़े होकर खाओ या अंदर सिटिंग वीटिंग का ऐसा कोई पंगा नहीं है। आओ ऑर्डर करो और अपना गाड़ी में मंगाओ और खाओ पियो मौज लो। तो सही है ना भाई ये भी? भाई मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, अपना गाड़ी में आराम से बैठ के बातें करो, एंजॉय करो, उसके बाद जो अपना ऑर्डर टाइम लिया जाता है अपना बैठ के खाओ। सबसे अच्छी बात पता क्या है भाई, यहाँ पे ऑर्डर में ना ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपने ऑर्डर किया ना तो हार्डली 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपके पास ऑर्डर आ जाएगा सारा, उससे पहले ही आता है। 15 मिनट तो कभी होते नहीं है, उससे पहले ही आता है। भाई ये देखो सामने दुकान पे कितनी भीड़ है अभी। तो भाई मतलब लोग यहाँ पे हमेशा रहते हैं, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है ना वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती रहती है यहाँ पे। तो ये है भाई यहाँ का मज़ा, खाना जो है टाइमली आ जाता है, भीड़ के होने के बावजूद भी गाड़ी में डिलीवरी फर्स्ट क्लास होती है। तो सबसे पहले आ चुका है अपना कोरमा और बटर नान, और भी ऑर्डर आ रहा है। तो ये वो आइटम है जो हमारे पवन भाई को पसंद आ गया था, इंस्टा स्टोरी पे है भाई। यही था वो, यही है। चलो तो तुम्हारे लिए मंगवा दिया मलाई टिक्का भैया, एक मिनट रुको जरा खा के देखो। वेट गाइस, मैं बता दूं अभी कितने नंबर देने हैं। अभी बिल्कुल देख के बताएंगे भाई खा के। और ये इतना है इधर अफगानी चाप, बढ़िया। यहाँ पवन भाई टेस्ट एक नंबर भाई है, बढ़िया एक नंबर। अच्छा जी, चलो तो भाई ज्यादा इंतजार मुझसे भी ना हो रहा, फटाफट से खाते हैं अब। लो जी लो, मिलो हमारे दीपेश भाई से, बहुत चाहती है हमारे ब्लॉग में आने की है भाई। तो भाई यार बहुत बढ़िया है सर, लड़के हैं रमेश चाप पे ही, और कभी भी कुछ भी मंगाओ हमेशा भाग भाग के ला के देंगे तुमको, बढ़िया। और भाई का मन था हमारे ब्लॉग में आने की, तो मैंने कहा चलो आज आपको ब्लॉग में लेते हैं अपना। तो दीपेश भाई कितने लोगों से सब्सक्राइब करवा दो हमारे चैनल को? करवा देंगे भैया 150-200 पास है अपने पास, बंदे में करवा देंगे। पक्की बात? पक्की बात, आपको कहना नहीं पड़ेगा। भाई जो भी देख रहे हो भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, फैला दो, आग लगा दो चैनल पे। आप बेटे आ, मेरा भाई, मेरा भाई देखना भी है बहुत दिन। हाँ जी भैया बिल्कुल बिल्कुल, चल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दीपेश। फाइनली आ चुके हैं भाई अपना घर पे, और भाई आज का दिन काफी ज्यादा बढ़िया रहा, एकदम फर्स्ट क्लास, फुल मजा किया, खाया पिया, एकदम सही मस्त वाला दिन रहा भाई, बढ़िया। और पवन भाई के साथ वाकई भाई मजा आ गया आज पूरे दिन में। तो ठीक है भाई, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और यहाँ तक वीडियो देखिए तो भाई प्लीज लाइक कर भी कर बिल्कुल मत जाना, और जिन जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बस इतना ही बहुत है, इतना कर दो आप अपने भाई के लिए, सपोर्ट करते रहो, प्यार देते रहो, और व्लॉग को आगे बढ़ाते रहो। तो कमेंट करके जरूर बताना व्लॉग में क्या अच्छा लगा क्या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम जी, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में।